कहीं मेरा मेकअप ना उतर जाए। बड़े प्यार से मेरी बीवी ने किया है। इमोशंस में जो उथल पुथल होते रहते हैं उसको हम कैसे स्टेबल रखें? सो ओवर थिंकिंग, लाइक कुछ भी चीज़ हो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, मतलब उस टाइम वो काम छोड़ के दूसरे काम की तरफ कैसे जाए। गुड क्वेश्चन, मतलब कि ओवर थिंकिंग, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं करते बहुत कम है। तो ऐसा कैसे हो कि हम उतना ही सोचें जितना हमको करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने हमेशा कहा कि अपनी इंटरनल वॉइस को सुनो, पर सर हमारा इंटरेस्ट वो चेंज होता रहता है। सो हाउ टू स्टे ऑन दैट, कि मतलब हम एक पे फोकस कर सकें। जस्ट हमने 2 दिन फोकस किया, 3 दिन फोकस किया, प्रॉब्लम आई, हमने उसे छोड़ दिया। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं कहता हूँ कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, लेकिन हमारे अंदर की आवाज़ रोज़ बदलती रहती है, है ना? रोज़ कोई नया आइडिया आ जाता है, फिर जो पुराना है वो पीछे चला जाता है, फिर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर वहाँ से ध्यान हट जाता है, फिर कोई नया आइडिया हमको अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब हम किसी भी एक चीज में एक्सीलेंस को अचीव नहीं कर पाते। दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? द सेम इज माय क्वेश्चन। हां, कि हम उसके एंड तक नहीं जा पाते। एंड तक जाने का मतलब है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है तो वैसे हमारी थिंकिंग बन जाती है, तो वो चेंज नहीं हो पाती। जैसे हमारी पेरेंट्स की थिंकिंग जैसी होती है वो हम चेंज नहीं कर पाते। जैसे उनकी एक ही बात है कि यही रास्ता है और ऐसी सक्सेस मिलेगी, तो वो ना चेंज होना चाहते हैं और वो हमारी ऐसे करते हैं कि हम भी चेंज नहीं कर पाते उनकी वजह से। तो हमारी थिंकिंग एक ही रास्ते पे चलती है कि अब यही चीज़ है और ऐसे ही होगा, तो एक पर्टिकुलर माइंडसेट बन जाता है हमारा, तो वो चेंज नहीं हो पाता है। आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि किस तरह से हम अपनी थिंकिंग को उससे अलग करें, क्योंकि उस थिंकिंग का हमको कुछ बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि हम उनकी लाइफ को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमको उनकी लाइफ में कुछ बहुत मज़ेदार नहीं नज़र आ रहा है। तो अब हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारी थिंकिंग भी वैसी ही रही जैसी उनकी थी या उनकी है, तो हमारे साथ भी वही होने वाला है जो उनके साथ हुआ है या हो रहा है। तो क्या हम चाहते हैं हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जैसी आपकी पेरेंट्स की है? नो सर। हाँ, तो ये पहला स्टेप है। द मोमेंट यू से नो, तो अब यहाँ से आपकी थिंकिंग बदलने लग जाती है। अदरवाइज आपके जो डिसीजन होंगे वो फियर के ऊपर होंगे, नहीं तो आप क्या कहोगे कि नहीं घर वाले जो कह रहे हैं वो कर लो। पहले आपको ये पूछना है, ठीक है कर तो लो, वो तो एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है, जो वो कह रहे हैं चुपचाप करते चले जाओ। लेकिन उससे होगा क्या? उससे मान लो आपको एक ऐसी लाइफ मिल जाएगी जैसी आपके पेरेंट्स की है, तो क्या आपको वैसी लाइफ चाहिए? अगर चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट जजिंग समबडी। हो सकता है आप कहो हाँ ठीक है मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है वहां पर। बट द मोमेंट यू से नहीं मुझे ऐसी लाइफ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए है ना, ऐसी नहीं चाहिए कि मैं थकना नहीं है जिंदगी में, एज चाहे कितनी भी हो जाए डरना नहीं है जिंदगी में, रिस्क लेने से नहीं डरना है, फेलियर से नहीं डरना है। अगर हमें ऐसा बनना है तो इसका मतलब हमारी थिंकिंग उनसे बिल्कुल अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है अपनी थिंकिंग की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से, तो अगर आपकी वैसी थिंकिंग है वैसी एक्शंस है तो आपको भी खुशी मिलने वाली नहीं है। तो ये आपको डिसीजन लेना है। द मोमेंट यू टेक दिस डिसीजन, तो यहां से एक नई एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है। आप बहुत देर से खड़े हुए हो, प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। हमारा ये टॉपिक निकल करके आ गया है आज का। टॉपिक क्या निकल करके आया है? घूम फिर के हम आ रहे हैं थिंकिंग के ऊपर, चाहे ओवर थिंकिंग हो, चाहे इमोशनल स्टेबिलिटी हो, चाहे अपनी थिंकिंग को चेंज करना हो। इसी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, जो आपने पूछा था कि अपना जो इंटरेस्ट है हम उस पर पूरी तरह से स्टिक कैसे रहे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो? ये क्वेश्चन है, समझ गए ना? अगर इन चारों क्वेश्चंस को जोड़ दिया जाए क्या निकल करके आ रहा है, कि हमारे अंदर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमारे अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, हमारे अंदर किसी तरह का कोई डर ना हो, पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। It starts from this, you know? ये आपको अपने आप से पूछना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं है, वो आप मेरी आंखों में देख सकते हो। बाहर से आपको बहुत कुछ मिल जाए लेकिन अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो, डर ही डर हो, अनलिमिटेड डिजायर्स हो, यही तो प्रॉब्लम है ना? अनलिमिटेड डिजायर्स,
जिसकी वजह से रोज हमारा इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, और अपने अंदर देखते चले जाना। दिस इज रियल लर्निंग, बुक्स पढ़ना नहीं, मेरी बातों को सुन करके अपने अंदर फीड करना नहीं। आप लोगों के माइंड में कई बार आता होगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरी बातें जब आपको जरूरत पड़ती है तो बातें याद रहें? आता है कभी किसी के माइंड में कि जब सुनते हैं तब तो सब कुछ बड़ा सही हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब वापस से अपनी लाइफ में जाते हैं, जब उस सिचुएशन में जाकर के हम फंसते हैं तो सब भूल जाते हैं? तो याद रखना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? अगर आपको याद रह भी गया तो क्या होगा? उस टाइम पे हो कुछ और रहा होगा, आप अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे होगे, नहीं आसान है, आसान है, आसान है। नहीं, एक्चुअल में अगर आसान बनाना है सब कुछ, समझ रहे हो ना? हाँ, कि सामने उस वक्त आपको लड़ना है, आपके सामने है कोई बच्चा है छोटा सा, मान लो आप कहीं पार्क में हो, उसको कोई किडनैपर उठा करके ले जा रहा है, तो वहां पर आपको ये नहीं बोलना आसान है, आसान है। कुछ नहीं है, सब सही है, सब सही है, जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए होता है। ये इसको कहते हैं वर्ड्स में जीना। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि अब हमारे माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमारे माइंड में कन्फ्यूजन क्यों होता है? आप चाहते हो ऐसा माइंड या नहीं चाहते हो? yes, इस माइंड में कोई कन्फ्यूजन ही ना हो, yes, या हो भी तो उसका एक सेकंड में सोल्यूशन निकल आए, खत्म। कॉन्फ्लिक्ट आया मतलब कि दो रास्ते आए। कन्फ्यूजन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सामने एकदम से दो रास्ते आ गए, अब यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। यहाँ गया तो ये रास्ता जंगल में जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि इस रास्ते पर आगे चल करके खजाना है। मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, समझते चले जाना, है ना? ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से निकल करके ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पर लाइफ सेट है। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो मेरे घर वाले कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है, समझ गए ना? फंस गए, अब यहाँ पर आप फंसे हुए। तो ये क्या है? कन्फ्यूजन ही है ना चारों तरफ, इसका सोल्यूशन क्या है बताओ जी, लगाओ दिमाग। मुझे लगता है कि अगर हम कंफ्यूज हैं ऐसे दो रास्तों पे, तो अगर हमारा मन है कि ठीक है ये रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए, तो हमें चले जाना चाहिए। और अगर हम फिर भी कंफ्यूज है, तो हमें अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए या किसी भी टीचर से, और वो जो भी कहें वो कर लेना चाहिए उस टाइम पे। जो प्रॉब्लम है पहले हम उसको ध्यान से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी एक थिंकिंग है, एक लाइन ऑफ थिंकिंग है, एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट कैसे बना? जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसी आपकी कंडीशनिंग हुई है, ये कंडीशनिंग किसने करी? पेरेंट्स ने करी, और सोसाइटी ने करी, एजुकेशन सिस्टम ने करी, सबने मिल करके करी। तो सबने मिल करके जो आपकी कंडीशनिंग करी है, जो एक माइंडसेट आपका बना है, उस माइंडसेट की वजह से जो भी लोग उस माइंडसेट में चल रहे हैं, चाहे कोई थोड़ा सा आगे है चाहे पीछे है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, क्या वो अपनी लाइफ से खुश हैं? कोई भी बंदा चाहे जॉब कर रहा है चाहे बिजनेस कर रहा है, लेकिन माइंडसेट ऊपर ऊपर से तो अलग अलग लग रहा है देखने में, बट फंडामेंटली सबका एक जैसा होता है। अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं और अनलिमिटेड फियर्स होते हैं, बस उसके बेस पे एक्शन चल रहा होता है। काम करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा होता है, समझ पा रहे हो? ये करके मुझे ये मिलने वाला है, बस सारा ध्यान वहां पर होता है। तो जो भी इस तरीके से चल रहा है वो दुखी है। तो क्या आपको ऐसा बनना है? ये अपने आप से पूछो कि अगर मैं भी उसी तरीके से चला जिस तरह से सब मुझे कह रहे हैं चलने के लिए, या जिस तरह से मैं सोच रहा हूं कि हाँ ये चलना मेरे लिए सही है, तो फिर आप चाहे कुछ ज्यादा अचीव करते हो चाहे कम करते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा अभी आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी आपके पास में कम है। जब आपके पास ज्यादा होगा तो जब उनको देखोगे जिनके पास आपसे बहुत ज्यादा है, तब भी आपको अपना वो कम ही लग रहा होगा। ज्यादा कम पड़ जाता है एंड में, कितना भी ज्यादा हो जाए। तो आप खुश कैसे हो गए इस रास्ते पर चल करके? कभी खुश हो सकते हो? ही नहीं सकते। और इस रास्ते पे चल करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप फंसते ही चले जाते हो। इसलिए हम समझ नहीं पाते हमको अपनी लाइफ को डायरेक्शन क्या देनी है, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम एक काम पे टिक नहीं पाते हैं, इसलिए ओवरथिंकिंग हमारे अंदर चलती रहती है, क्योंकि ये असली काम हम कभी नहीं करते हैं। ये रूट है आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग की। आपकी जो थिंकिंग है उसकी जड़ क्या है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। अगर दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए तो कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर, 99% नहीं 100% क्लियर, तो कोई कंफ्यूजन है? अब ये क्लियर कैसे होगा? आप समझ पा रहे हो ना, मैं प्रॉब्लम की जड़ में जा रहा हूं। जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या नहीं करना है, ना कब बोलना है, नो आई विल नॉट डू इट, डू यू हैव द करेज टू से दैट? इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है। डिसीजन तो आप ले लोगे, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं लोगे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लोगे, बस ले लोगे डिसीजन, चल यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ये यही कर लेता हूं,
इन पिन सेफ्टी पिन टॉस करके देख लेते होते हैं ऐसे डिसीजंस होते हैं या नहीं होते हैं? किसी को भी पता है क्लियर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? नहीं पता है. इट शुड बी एब्सोल्यूटली क्लियर. कैसे होगा? ऐसे सोचने की हमारी आदत नहीं है क्योंकि ऐसा बनाया नहीं गया हमको. समझ रहे हो? तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल भी लग रहा होगा क्योंकि कैसा बनाया गया है. बस जो पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ पर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बस वहीं तक सोचना है, उसके आगे नहीं. जो डेफिनेशन लिखी हुई है बस यही सही है. इसमें अगर तूने ये भी एक वर्ड भी चेंज किया तो समझ जा तेरे नंबर कम हो जाएंगे. इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला. तो कैसे क्लियर होगा? सबसे पहला स्टेप है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है. वंस यू आर क्लियर अबाउट इट देन आपके लिए लाइफ बड़ी शॉर्ट आउट हो जाती है, बड़ी सिंपल हो जाती है. डिसीजंस लेना बड़ा आसान हो जाता है. क्या नहीं करना है, मैं यहाँ पर मॉरल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप सब लोगों को पता है तो मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ कि शराब दारू सिगरेट ये वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. क्या नहीं करना है मतलब कि किस रास्ते पर नहीं चलना है. रास्ते हैं क्या? एक है सरफेस लेवल पे अलग अलग रास्ते, एक है फंडामेंटली. अगर रास्ता देखा जाए तो दो तरीके से दुनिया एक्ट करती है कि अपने डिजायर्स के हिसाब से चलो और अपने फियर्स के हिसाब से एक्ट करते चले जाओ. एक्शन बेस्ड अपॉन योर डिजायर्स एंड फियर्स. आपके अंदर डिजायर्स आए कहां से? आपको लग रहा है मैंने खुद बनाए हैं. खुद कहां बनाए हैं? बन जाते हैं डिजायर्स. तो किसी को कुछ करते हुए देखते हैं हमारा भी मन करने लग जाता है करने का. किसी चीज के बारे में हमको पता लगता है तो अभी तक माइंड एक जगह पर चल रहा था लेकिन अब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. डिस्ट्रैक्ट किसकी वजह से हो रहे हो? आपका डिजायर है एक काम को करने का, अब एक नया डिजायर आ गया. तो क्या डिजायर ही आपकी प्रॉब्लम नहीं है? इन चीजों को हम देख क्यों नहीं पाते हैं? सोचो अगर आज आपके अंदर से डिजायर पूरी तरह से निकल जाए तो क्या होगा? डिजायर किस चीज का, इसको ध्यान से समझ लेना. जो मैं डिजायर बार बार बोल रहा हूं वो मैं काम को करने का नहीं बोल रहा हूं, चीजों का बोल रहा हूं. उससे रिलेटेड जो आपको मिलने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं. सोचो वो पूरी तरह से निकल जाए, आप ये कहो कि मैं कहीं पर ऐसी जगह पर भी जा करके रह सकता हूं जहां पर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी वहां पर मैं खुश रह सकता हूं, तो क्या होगा? दूसरी तरफ से आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ लेकिन अनलिमिटेड अंदर डिजायर्स भरे पड़े हो, उसकी वजह से क्या होगा? ओवरथिंकिंग. उसकी वजह से क्या होगा? इमोशनल अनस्टेबिलिटी. अगर कभी आपने ध्यान से देखा होगा मेरी वेबसाइट पे आप जा करके देखोगे ना, कॉन्टैक्ट पेज है sandeepmaheshwari.com पे आप जाओगे कॉन्टैक्ट पेज में, उस पर जा करके नीचे पढ़ना मैंने क्या लिखा हुआ है. पढ़ा है किसी ने कभी? नहीं नहीं नहीं, वो तो है, वो तो आप लोगों के लिए लिखा है. नीचे जो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मेरे या अपने फायदे के लिए, उनके लिए मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है वहां पर. खोलो अपना मोबाइल, खोलो पढ़ो. I'm sorry to say that I won't be able to accept your invitation or association because I spend most of time in solitude and speak only when I feel like speaking. So please do not contact me for any kind of seminar, lecture, conference, media interviews, television shows, social gatherings, awards, events, political discussions, business offers, etc. To be honest and straightforward, I'm not interested in anything at all, irrespective of what you offer us. सुन लिया? Yes. इसके बाद भी अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो महा बेशरम हो. कि आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, चाहिए नहीं. नॉट इंटरेस्टेड. देखो कितना अच्छा है ना नो वर्ड. नो वर्ड बड़ा कमाल का है. ये अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो क्लैरिटी नहीं आ सकती जी. अब मैं ये नहीं कह रहा आपको भी यही करना है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ जॉब ऑफर वॉट एवर इट इज, आई विल बी जॉबलेस. नहीं मतलब कब करना है और कब रुकना है, ये दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए. कब जागना है और कब सोना है, कहां जागना है कहां सोना है पता नहीं है दुनिया को. ये अगर पता हो तो माइंड कितना क्लियर हो जाता है. मैंने आपको अभी क्या कहा था, माइंड में क्लैरिटी कैसे आती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? क्या इसको सुन करके आपको क्लियर हुआ कि मुझे क्या नहीं करना है? बताओ क्या नहीं करना है? हाँ हाँ, लेकिन सिर्फ अवार्ड शोज नहीं था वहां पे, वहां पे सब कुछ है. अगर सिंपल वे में बोलूं तो मुझे कुछ नहीं करना. समझ आई ये बात? इज इट अ स्मॉल स्टेटमेंट और अ ह्यूज स्टेटमेंट? इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसकी डेप्थ देख पा रहे हो आप? मैंने क्या कह दिया आपको? आप चाहे कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर ऑफर इज,
आप चाहे मेरे से टाई अप कर रहे हो पोलाइटली हाथ जोड़ करके आप प्लीज भाड़ में जाइए. आपके पास चाहे 10,000 करोड़ का ऑफर है, चाहे 1,000 करोड़ का ऑफर है, चाहे कोई भी पोजीशन है, चाहे कितना भी नेम है, कितना भी फेम है, आप भाड़ में जाइए. नॉट इंटरेस्टेड. मतलब मैंने क्या कह दिया, मैं किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं. चीज मैंने ये नहीं कहा यहां पर कि मैं किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं हूं. काम तो कर ही रहा हूं, निठल्ला थोड़ी बैठा. इससे क्या क्लियर हुआ, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे नेम फेम मनी के लिए कुछ नहीं करना है. ऐसे आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अपने डिजायर्स और फियर्स के अंदर नहीं उलझे रहना है. अगर आपके अंदर कोई भी डिजायर है किसी भी तरह का, किसी भी चीज का, तो आप समझ जाओ कि आपकी डोर आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है. आप एक गरीब घर से हो और आपके अंदर है, या एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से और आपके अंदर है कि मेरे को ना बढ़िया से बढ़िया गाड़ियों में घूमना है, और आपके किसी दोस्त को समझ आ गया कि इसको शौक है इस गाड़ी में घूमने का, इस बंदे को, और मैं घुमा रहा हूं इसको, यह है क्या, दो गाड़ी का है नहीं. तो अब अगर वो आपको कहेगा कि चल मेरे साथ में वहां पार्टी में चलना है तेरे को, आप मना करोगे? फिर आपको कहेगा आपको ये ड्रग्स लेनी पड़ेंगी, मना करोगे? क्या बोलोगे कि नहीं मेरे पापा मम्मी मना करते हैं, अरे छोड़ ना, क्या बच्चों ऐसी बातें कर रहा है, बेवकूफ है क्या, लगा ले थोड़े से में कुछ नहीं होता है. ये चीजें छोटे लेवल पे भी होती है, बड़े लेवल पे भी होती है. आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, अब अगर आपके अंदर डिजायर्स हैं कि मुझे अब ये करना है वो करना है, इस बैनर के अंदर भी आना है, ये भी वो भी वो भी, तो अब उस बैनर का जो बंदा हेड है वो आपको नचाएगा, आप उसकी कठपुतली बन गए. तेरे को मेरी इस पार्टी में आना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं वो करना पड़ेगा, सुबह इतने बजे तक रुकना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, वहां आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. क्या हो, गुलाम बन गए? यू बी अ स्लेव. आप किसके गुलाम हो? आपको लग रहा है आप उसके हो? नहीं, आप अपने ही डिजायर्स के गुलाम हो. पहले मेरे पास में बाइक थी, अब मेरे पास में छोटी गाड़ी आ गई, बस अब एक बड़ी गाड़ी और लेनी है, है ना, बस यहां पर इतना इतना और हो जाए तो उसके लिए मुझे एक प्रमोशन और चाहिए, और अगर मुझे इस जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा? यही जी रहे हो, पूरी दुनिया ऐसे ही जी रही है. खच्चरों की तरह. खच्चर का मतलब क्या है? खच्चर का मतलब वो नहीं है जो गरीब है. ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जो जिनके पास में कुछ भी नहीं है, आप कह सकते हो फकीर है, उनके पास में घंटों बैठा रह सकता हूं, मजा आता है बैठना. और दूसरी तरफ से ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मिलता हूं तो कुछ नहीं है, खोखले हैं अंदर से, आपके सो कॉल्ड बिलियनेयर्स बाहर से एक अपना एक ऐसा फेस दिखाते हैं पूरी दुनिया को, अपनी ऐसी इमेज बना करके रखते हैं. बनना है तो ऐसे बनो, आपकी कोई इमेज ही नहीं है, फकीर का कोई क्या उखाड़ेगा, जो ऑलरेडी जमीन पे उसको कोई क्या गिराएगा, चढ़ो ही मत अपने माइंड में. माइंड में चढ़ने का मतलब क्या है? अनलिमिटेड डिजायर्स. तो माइंड में चढ़े हुए हो और बंधे हुए हो अपने डिजायर्स और फियर्स से, इससे ऊपर उठना है. अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि क्या करना है, उस काम पर फोकस करना है, वो काम करना है व्हाट आई लव डूइंग. Then the driving force in your life will not be desire and fear, it's going to be love. आपने प्यार के बारे में पढ़ा बहुत कुछ होगा, पर प्यार को फील किया है? जैसे कुछ मूवमेंट्स होंगे आपकी लाइफ में अपनी माँ के साथ में, माँ का और एक बच्चे का रिलेशन होता ही ऐसा है, फील किया है उसको प्यार बोलते हैं. क्या जो आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में उसमें आपको इतना प्यार है जितना आपको अपनी माँ से है? अब आप कहोगे ये काम मेरे को मिलेगा कैसे? अरे क्यों नहीं मिलेगा, द मोमेंट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे खच्चरों की रेस में शामिल नहीं होना है, तो अब आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि व्हाट इज इट दैट आई लव डूइंग, जो मुझे अभी नहीं पता क्या है बट मुझे फिगर आउट करना है. यही तो खेल का मजा है. अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो तो फिर तो वो स्ट्रक्चर हो गया ना, फिर उसमें खेल क्या है, फिर डिस्कवरी क्या है? और जहां पर डिस्कवरी नहीं है, जहां पर कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है, वो खेल नहीं है. आपको पहले ही पता है कि मतलब एक मैच हो चुका है, उसको बार बार देखे जा रहे हो प्ले करके, मजा आएगा. मूवी बन गई है, उसको बार 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 देखे जा रहे हो, ये पहली बार देखने में मजा है. तो पहली बार मूवी को देखने का मतलब क्या है? सस्पेंस है. अब व्हाट यू नीड फ्रॉम मी इज अ गारंटी कि मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो कि मुझे अभी समझ आ जाए कि मुझे क्या करना है और मेरा माइंड वहां से हिले ही ना और मैं बस वो ही करूं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरे माइंड में और कोई थॉट्स ही ना आए. ऐसा नहीं होता है. हाँ, ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ, मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है. ऐसा नहीं होता है, फिर वो खेल नहीं है. कोई रास्ता नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई मैप नहीं है,
इसीलिए मजा है, एक थ्रिल है लाइफ. आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या पैशन है, व्हाट इज इट दैट यू लव डूइंग, आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, आपके घर वालों को भी नहीं पता है, फिगर आउट करना है. आई नीड टू फाइंड आउट. इफ यू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पर आपका जो पैशन है, द डीपेस्ट पैशन ऑफ योर लाइफ इज योर प्रोफेशन, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है. तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि अब आपको पैसे की टेंशन नहीं है. फिर उस पैसे को आप यूज करोगे अपने पैशन को और पैशनेटली करने के लिए, क्योंकि चीजों के तो डिजायर है ही नहीं, फियर पूरी तरह से निकल चुका है. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.